हमारे सावर पॉइंट नाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सबलाइन टेक्स्ट 3 की। यहाँ दोस्तों इसके बारे में शायद जो डेवलपर होंगे उन्होंने जरूर सुना होगा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, या जो नए नए कंपनी में काम करने गए होंगे उसने उन्होंने भी जरूर सुना होगा, क्योंकि डेवलपर्स की पहली पसंद जो है सबलाइन टेक्स्ट 3 एडिटर ही है। मैं आपको बता दूं कि इसकी खासियत इतनी अच्छी है कि हर एक डेवलपर एक बार इस पर जरूर काम करना चाहता है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, अगर यदि आप एक डेवलपर हैं तो जरूर आपको सबलाइन टेक्स्ट 3 यूज करना चाहिए। यदि आप एक ट्रेनर भी हैं, यदि आप सीख रहे हैं डेवलपिंग करना, यदि आप स्टूडेंट भी हैं तो मैं चाहूंगा आपको रिकमेंड करूंगा, मैं भी एक डेवलपर हूं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबलाइन टेक्स्ट एक बार जरूर आप यूज करें। उससे आपका फायदा ही होगा कि आप जब भी किसी कंपनी में जाएंगे तो आप उससे यूज थ्रू रहेंगे, क्योंकि हर एक अच्छी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी में सबलाइन टेक्स्ट 3 ही यूज किया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आखिर क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां सबलाइन टेक्स्ट 3 यूज करते हैं, चलिए आज मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आज मैं दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करते हैं सबलाइन टेक्स्ट 3 एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले लिख देंगे अपने फेवरेट ब्राउजर में सबलाइन टेक्स्ट 3। ठीक है, सबसे पहला वाला जो लिंक आएगा, जो ऑफिशियल इसकी लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको विंडोज के लिए चाहिए तो विंडोज के लिए करेंगे, अगर आपको ये किसी और, अगर मैक के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, तो मैक या लिनक्स के लिए करेंगे। चलिए हम जैसे विंडोज है मेरा, जैसे 64 बिट है मेरा, तो मैं विंडोज के लिए कर रहा हूँ 64 बिट के लिए। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, ये देखिए आ गया, फाइल पे क्लिक कर दिया मैंने, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो भी गया, इतना फास्ट था इंटरनेट का स्पीड मेरा कि डाउनलोड भी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से दिखा सकूँ आपको। देखिए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और एक्सप्लोर मेनू कह रहा, चलिए उसको मैं कर नहीं कर रहा, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। मैं इसकी खासियत की बात कर रहा था, आखिर क्यों बड़ी कंपनी यूज करती है। मैं आपको एक खास बात बताऊं इसको, कि जहां सूत्रों से पता चला है कि गूगल तक जो इतनी बड़ी कंपनी है, वहां के जो डेवलपर्स हैं वो भी सबलाइन टेक्स्ट 3 प्रेफर करते हैं, वो लोग भी यही यूज करते हैं, उनका फेवरेट ही है। तो आप भी क्यों ना सबलाइन टेक्स्ट 3 यूज करेंगे। देखिए आज से आप भी यूज करेंगे, कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं। मैंने इंस्टॉल कर लिया, अभी सबलाइन टेक्स्ट 3 आ गया, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा, देखिए कितना अच्छा है, खुल गया। अब यहाँ पे खासियत ये है कि आप इसमें प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नए प्रोजेक्ट बनाने सीखे हैं, और बना रहे हैं कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इससे प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। न्यू फाइल है, ओपन फाइल है, ओपन फोल्डर है, ओपन रिसेंट है, वगैरह वगैरह, इसमें सारे एक्सटेंशन फॉलो कर जाते हैं। अगर आपकी कहीं गलती है तो भी दिखा देता है। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें स्टेमल का कोड लिख के दिखाऊं। चलिए मेरे पास पहले से बहुत सारा कोड है, चलिए मैं दिखाता हूं थोड़ा लिख के स्टेमल का कोड इसमें आपको। चलिए मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूं, देखिए अपने आप देखिए कलर इसका, देखिए कलर का कॉम्बिनेशन, देखिए कितना मजा आएगा इसमें आपको। जहां पे अगर जो मेन टैग है वो मेन टैग रेड हो गया, और इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, और भी अगर आप यूज करेंगे तो और भी चेंज होगा। जैसे आप एंकर टैग अगर लाएंगे HREF, देखिए ये अपने आप ये हो गया। जैसे google.com पे जाना है मुझे, शायद आपको पता ही होगा, अगर आप डेवलपर हैं तभी सब चीज समझते होंगे। ले देंगे गो टू गूगल, ठीक है दोस्तों, गूगल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे एंकर टैग को। ठीक है दोस्तों, देखिए टैग भी अपने आप बंद हो जाता है, सिर्फ ये लिखना होता है आपको, टैग बंद हो जाता है। ठीक है, इसको आप सेव करना है, अब आप सेव कर देंगे फाइल को। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। चलिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। HTML, देखिए HTML अपने आप एक्सटेंशन ले लिया, क्योंकि HTML पढ़ लिया था। चलिए लिख लेता हूँ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट लिख के डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। चलिए मैंने सेव कर लिया, अब देखिए यहाँ पे टेस्ट नाम का आ गया। जब इसको खोलेंगे तो ये इसमें खुल जाएगा ब्राउजर में। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये ब्राउजर में खुल जाएगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में, देखिए खुल गया। और इस पर गो टू गूगल पे करता है, गो टू गूगल पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उस पर अगर पाथ सही नहीं दिया था, पाथ सही देंगे तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे सबलाइन टेक्स्ट की यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, अगर आपको ऐसी डेवलपमेंट की जानकारियां चाहिए।